दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। दिल्ली में इस वक्त 26% से ज्यादा कोरोना संक्रमण दर है और इसी के मद्देनजर तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल LNJP में आज मॉकड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है ताकि ये देखा जाए कि क्या दिल्ली में जो तैयारियां हैं अस्पताल में वो किस तरह से। देखिए एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस ये मॉकड्रिल के तहत आ रही है और इसमें एक कोरोना का एक डमी मरीज आपको दिखाएंगे और ये तैयारियों को परखा जाएगा कि किस तरह की स्थिति। आप देखिए एम्बुलेंस गेट से अंदर दाखिल होती है और इसके अंदर अभी एक कोरोना का एक मरीज है जिसको यहाँ स्ट्रेचर पर अब लिटाया जाएगा। आप देखिए जो तमाम स्टाफ है वो वेल ड्रेस्ड आपको नजर आएगा, तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर उनकी टीम है और देखिए यहाँ अब इस मरीज को इस स्ट्रेचर पर ले जाकर जो अंदर उसको एडमिशन कराया जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल ये देखना होता है कि जब मरीज आता है और उसके एडमिशन तक कितना वक्त लगता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर मरीज अब अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश हैं, मेडिकल डायरेक्टर LNJP। सर ये बताइए कि 26% से ज्यादा कोरोना संक्रमण दर है, क्या कहना चाहेंगे और ये जो मॉकड्रिल है कितना जरूरी है? ये मॉकड्रिल का उद्देश्य है कि हम अपना सिस्टम का कितना तैयार है, कितना जो चैलेंज है उसको, जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है उसको देखते हुए सारी तैयारी हमारी इन प्लेस है। ऑक्सीजन का सारे पॉइंट्स हम चेक कर रहे हैं, सारे वेंटिलेटर्स, सारे ICU बेड्स, सारी मशीनें, सारे बाईपैप मशीनें, वो सब हम चेक कर रहे हैं कि वो फंक्शनल स्टेटस में है या नहीं है। इसके साथ साथ हमारी जो टीम है उसको जो करंट गाइडलाइंस है कोविड मैनेजमेंट की उसके लिए हमने ट्रेन किया है। इसके साथ साथ जो भी हमारा दवाइयों का स्टॉक है वो हमने चेक किया है कि कितना हमारा दवाइयों का स्टॉक है, ऑक्सीजन का स्टॉक है और सारा जो हमारा रियल टाइम में बेड का जो अवेलेबिलिटी है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। एक चीज और आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर ये बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें ये दिखाया जाता है कि अभी LNJP अस्पताल में कितने कोविड बेड हैं। सर इससे कितना फायदा मिल रहा है पेशेंट्स को ये पता रहता है कि कितने पेशेंट, जैसे आप देखिए कि अभी 10 ही बेड ऑक्यूपाइड है और बाकी सारे 440 बेड अभी अवेलेबल है। 10 पेशेंट अभी हमारे पास है तो ये सारा ये कि एक पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध है, कोई पैनिक ना हो। ये जो मरीज आ रहे हैं ये कितने सीरियस हैं और एडमिशन रेट क्या है, अभी कितने मरीज भर्ती हैं? जितना हमारे पास पॉजिटिविटी रेट है उस हिसाब से पेशेंट्स कम एडमिट हो रहे हैं, ज्यादातर पेशेंट होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जरूर ज्यादा है पर हॉस्पिटलाइजेशन का दर, भर्ती होने का दर अभी भी बहुत कम है और ज्यादातर पेशेंट माइल्ड लक्षणों के साथ आ रहे हैं। उन्हीं पेशेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिनको कैंसर है, TB है या कोई अन्य बीमारी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग ही ज्यादा एडमिट हो रहे हैं। एक और सवाल ये बताइए कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या डायरेक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जल्दी जल्दी मॉकड्रिल की जा रही है। अभी हाल ही में आपने मॉकड्रिल की थी तो सरकार की तरफ उसका एक ही उद्देश्य है कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। किसी भी पेशेंट को कोई यदि बेड की आवश्यकता होती है, ICU की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उसको तुरंत भर्ती किया जाए, उसको तुरंत जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल कराया जाए और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि पेशेंट्स का ठीक होकर यहाँ से जाए, यानी कि वो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, डेथ ना हो, यही हमारा। आखिरी सवाल, दिल्ली वालों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है और क्या घबराने की जरूरत है? अभी 26% से ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सावधानी बरतनी है, हमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, हमें मास्क लगा के रखना है, मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर सुरेश जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से मास्क लगाया जा सकता है और आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ दिखाएंगे हम अंदर से किस तरह जो मरीज हैं उनको यहाँ से अंदर की तरफ ले जाया जाता है। देखिए जो मरीज आते हैं उनको यहाँ से अंदर तक एडमिशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है और ये देखा जाता है, ये परखा जाता है कि यहाँ जब मरीज को लाया जाता है तो कितना समय लगता है। डॉक्टर रितु है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं? रिस्पॉन्स टाइम हमारा 0 डिले होता है, जैसे ही पेशेंट आता है वैसे हम उसे रिसीव करके अंदर ले लेते हैं। तो यही सब असेस करने के लिए ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स, मैन पावर की ट्रेनिंग, यही सब असेस करने के लिए मॉकड्रिल बार बार की जा रही है। अभी तो एडमिशन हम देख रहे हैं 10 ही है यहाँ पर, लेकिन हमें याद है 2 साल पहले जैसी स्थिति थी, तो क्या उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल हम तैयार हैं, क्योंकि उस स्थिति में भी जब हम लोगों ने पूरा जोश के साथ काम किया तो इस बार हम मॉकड्रिल से बल्कि ट्यूनिंग कर रहे हैं अपने स्टाफ की और डॉक्टर्स की और पूरे हॉस्पिटल की, जिससे कि अगर ऐसी स्थिति कभी आती है तो हम उसे और भी अच्छे तरह से हैंडल कर। ठीक है डॉक्टर रितु MS हैं LNJP अस्पताल की, जो कि कह रही हैं कि पूरी तैयारियां अस्पताल की तरफ से की गई हैं और तमाम जो यहां पर आप देख रहे हैं स्टाफ वो पूरी तरह से मुस्तैद है। दरअसल दिल्ली में जो लगातार केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में अगर बात करें ताज़ा आंकड़ों की, जो दिल्ली सरकार की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था उसके मुताबिक 26% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में है, 484 मरीज़ हैं और ऐसे बहुत मरीज़ हैं जो कि अस्पतालों में भर्ती हैं।
3 मौत भी हुई हैं। हालांकि ये कहा गया है कि प्राथमिक तौर पर जो मौतें हैं वो उसका कारण कोरोना नहीं है। तो फिलहाल दिल्ली सरकार के अस्पतालों में तैयारियों को परखने के लिए इसी तरह से मॉकड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।